हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पोर्शन करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्टेंस फार्मूला प्रूव किया था और उसके बेस की कुछ क्वेश्चंस किए थे। सेकंड पार्ट में हम फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 7.1 से, और डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन होगा हमारे पास। आइए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास चार सहेलियां चार पोजीशंस पर बैठी हैं, ए बी सी और डी, और ए कोऑर्डिनेट 0.34, बी कोऑर्डिनेट 0.67, सी कोऑर्डिनेट 0.94 और डी कोऑर्डिनेट 0.61। दो सहेलियां चंपा और चमेली आपस में बातें कर रही हैं, और चंपा का मानना है ये है कि ये जो पोजीशन जिस पर ये बैठी हैं ये स्क्वायर शेप में है, तो चमेली उसकी इस बात से डिसएग्री होती है। हमें चेक करना है कि क्या चंपा ने सही कहा, मीन्स ये जो पोजिशन है ए बी सी डी ये स्क्वायर की शेप में है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ए बी सी और डी की पोजीशंस की डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी और ए से डी की। अगर हमारे पास वो लेंथ ऑफ डिस्टेंस सेम आ जाती है तो हम कहेंगे कि वो स्क्वायर शेप में है। उसके लिए सबसे पहले हम ए बी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए बी की डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। x2 - x1 करेंगे 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर अंडर द रूट 3 - 3 स्क्वायर 9, 3 - 3 = 9 अंडर द रूट 9, 18 यूनिट्स। उसके बाद हम बी से सी की लेंथ निकाल लेंगे। बी से सी के बीच में डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 3 - 3 = 9 एंड दैट्स आल्सो 3 - 3 = 9 रूट 18। फिर हम सी से डी की लेंथ ऑफ डिस्टेंस ऑफ लेंथ निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, सी डी जो आएगा वो 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 होल स्क्वायर, दैट्स आल्सो 3 - 3 = 9, 3 - 3 = 9 रूट 18। फिर हम क्या करेंगे, हम ए से डी की भी डिस्टेंस निकाल लेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर अंडर द रूट 3 - 3 = 9 और 3 - 3 = 9 रूट 18। अब यहाँ से देखिए हमारे पास ए से बी, बी से सी, सी से डी और ए से डी सभी पोजीशंस की जो डिस्टेंस है वो सेम आई। अब या तो ये हमारे पास रोम्बस शेप है या फिर हमारे पास स्क्वायर शेप है। हमें क्योंकि चेक स्क्वायर शेप को करना है तो हमें ये देखना होगा कि क्या इनका जो डायगोनल लेंथ है वो भी सेम है या नहीं है। तो हम डायगोनल ए सी निकाल लेंगे। ए सी डायगोनल निकालने के लिए 9 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर अंडर द रूट, दैट्स 9 - 3 6 - 6 = 36 अंडर द रूट, दैट्स 6 यूनिट। नेक्स्ट अगर हम बीडी डिस्टेंस निकालते हैं, बीडी के लिए 6 - 6 मींस 6 - 6 होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 होल स्क्वायर अंडर द रूट 6 - 6 = 0, 1 - 7 = 6 स्क्वायर, दैट्स आल्सो रूट 36। ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 यूनिट है। अब हमने यहां से क्या देखा कि सभी लेंथ और सभी डायगोनल साइड की लेंथ और डायगोनल की लेंथ जो है वो सेम आ गई, तो इसका मतलब ये जो चंपा ने कहा है ये जो शेप है जिस पोजीशंस पे ये बैठी हैं वो स्क्वायर है। इट मीन्स चंपा बिल्कुल सही कह रही है। तो आप क्या कहेंगे, हेयर लेंथ ऑफ साइड एंड डायगोनल आर इक्वल सो दिस इज ए स्क्वायर, सो दिस इज ए स्क्वायर। जो लेंथ ऑफ साइड है वो और डायगोनल दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये शेप किसकी है, स्क्वायर की है। हेंस चंपा वाज करेक्ट, चंपा सही थी, तो चंपा यहां बिल्कुल सही कह रही है कि वो स्क्वायर शेप में बैठे हैं। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है विद वर्टेक्स ए बी सी एंड डी, और हमें ये बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल शो करेगा। अब देखिए, हमें क्वाड्रिलेटरल बताने के लिए सबसे पहले इसकी चारों साइड्स की लेंथ निकाल लेनी है, ए बी बी सी सी डी और ए डी। ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद अगर हमारे पास चारों साइड्स और डायगनल इक्वल आ जाते हैं तो ये स्क्वायर होगी, और अगर मान लो हमारे पास कोई भी साइड से इक्वल नहीं आती हैं ए बी बी सी सी डी और ए डी तो ये किसी भी टाइप की क्वाड्रिलेटरल नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें ए से बी, बी से सी, सी से डी और ए से डी ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए बी निकाल लेता हूँ बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन प्लस वन होल स्क्वायर, जीरो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, वन और वन टू, टू टू स्क्वायर फोर, टू स्क्वायर ये भी फोर अंडर दी रूट, फोर प्लस फोर ये कितना आ गया रूट एट। फिर बीसी निकाल लेते हैं हम। बीसी निकालने के लिए माइनस वन होल स्क्वायर प्लस टू माइनस जीरो होल स्क्वायर, दैट्स माइनस टू स्क्वायर फोर, टू का स्क्वायर करेंगे ये भी फोर आ जाएगा, दैट्स ऑल्सो रूट एट। फिर हम सी डी लेंथ निकाल लेते हैं। सी डी निकालने के लिए माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस टू होल स्क्वायर, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू स्क्वायर फोर, माइनस टू स्क्वायर फोर ये भी हमारे पास रूट एट आ जाएगा। फिर हम ए डी निकाल लेते हैं। माइनस थ्री माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस माइनस प्लस टू होल स्क्वायर अंडर दी रूट, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू होल स्क्वायर फोर, जीरो प्लस टू होल स्क्वायर फोर ये भी रूट एट आ जाएगा। अब हमारे पास ए से बी, बी सी, सी डी और ए डी सभी लेंथ रूट एट हैं। अब हम डायगनल भी निकाल लेते हैं। डायगनल निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ डायगनल क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं वो स्क्वेयर भी हो सकती है और रोम्बस भी हो सकती है। तो यहाँ हमें अब तक कंफर्म नहीं है कि ये स्क्वेयर है या रोम्बस है, हम डायगनल निकालेंगे। डायगनल की लेंथ अगर हमारे पास सेम होगी तो हम कहेंगे स्क्वेयर है, डायगनल की लेंथ सेम नहीं होगी तो हम कहेंगे कि रोम्बस है। अब डायगनल ए सी निकाल लीजिए। एसी निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन होल स्क्वायर। सी में से ए वाले कोऑर्डिनेट, टू माइनस माइनस प्लस टू होल स्क्वायर अंडर दी रूट, प्लस वन ये जीरो बन जाएगा, टू और टू फोर का स्क्वायर करेंगे तो सिक्सटीन आ जाएगा, रूट सिक्सटीन किसके इक्वल आ गया फोर के। फिर बी डी निकाल लीजिएगा। डी से बी की डिस्टेंस निकालेंगे, माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस वन होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो होल स्क्वायर, दैट्स माइनस फोर होल स्क्वायर सिक्सटीन, जीरो माइनस जीरो जीरो, सिक्सटीन अंडर दी रूट किसके इक्वल आ जाएगा फोर यूनिट है। अब हमने यहां से क्या देखा, ऑल साइड्स एंड डायगनल आर इक्वल, ऑल साइड्स एंड डायगनल आर, साइड्स एंड डायगनल आर इक्वल, सो दिस इज ए स्क्वायर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको पिछले क्वेश्चन की तरह क्या निकालना है, ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों साइड्स की लेंथ निकाल लेनी है, उसके बाद दोनों डायगनल की लेंथ निकाल लेनी है। अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्क्वायर शेप में है। नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में अगेन हमें टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है विद पोजीशन माइनस थ्री फाइव थ्री वन जीरो थ्री एंड माइनस वन माइनस फोर। यहाँ भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ए बी निकाल लीजिए बाय डिस्टेंस फार्मूला, थ्री माइनस माइनस प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस वन माइनस फाइव होल स्क्वायर, दैट्स थ्री प्लस थ्री सिक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स, वन माइनस फाइव फोर स्क्वायर सिक्सटीन, दैट्स इज इक्वल टू रूट फिफ्टी टू। नेक्स्ट बी सी हम निकाल लेते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला, जीरो माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन होल स्क्वायर, दैट्स जीरो माइनस थ्री थ्री, थ्री थ्री स्क्वायर नाइन, और थ्री माइनस वन टू, टू होल स्क्वायर फोर, दैट्स रूट थर्टीन। फिर मैं सी डी निकाल लेता हूँ बाय डिस्टेंस फार्मूला, डी में से सी के कोऑर्डिनेट माइनस कीजिए, माइनस वन माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस माइनस फोर माइनस थ्री होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस वन स्क्वायर प्लस वन, फोर माइनस थ्री सेवन स्क्वायर फोर्टी नाइन,
दैट्स इक्वल टू √50। नेक्स्ट हम ए डी निकाल लेते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला, -1 -3 होल स्क्वायर, और नेक्स्ट -4 -5 होल स्क्वायर, दैट्स 3 -1 2 होल स्क्वायर 4 4 5 9 9 स्क्वायर 81, दैट्स इज इक्वल टू √85। अब देखिए हमारे पास ए बी √52 यूनिट्स आया है, बी सी √13 यूनिट्स आए हैं, सी डी √50 यूनिट्स आया है, ए डी √85 यूनिट्स आए हैं। अब हमारे पास ए बी बी सी सी डी और ए डी की कोई भी लेंथ इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल तो है बट कोई स्पेशल टाइप नहीं है, तो हमारे पास कोई ऐसी टाइप नहीं होगी, तो हम क्या लिखेंगे, नो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऐसी क्वाड्रिलेटरल का हमारे पास कोई नाम है नहीं है, बिकॉज हमारे पास कम से कम कोई दो साइड्स तो इक्वल होनी ही चाहिए थी, उसी के बेस पे हम पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल बताते, या चारों साइड इक्वल होती तो हम ये रोम्बस या फिर स्क्वेयर बताते, बट यहाँ तो कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है, तो हमारे पास कोई भी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में तीसरा पार्ट जो है उसमें भी आपको टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है, वो क्वेश्चन आप अपनी तरफ से होमवर्क के तौर पे करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन सही आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का सोल्यूशन पूछ सकते हैं। आई होप कि आप थर्ड पार्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बताना है जो 2 -5 और -2 9 से इक्वी डिस्टेंस पे हो। अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट दे रखा है कि जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर दूरी पे है, एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट क्या होगा वो मुझे बताना है। अब मान लो एक्स एक्सिस पे मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ पी, अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि पी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू 0 होगी तो एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू को हमें एक्स ही कंसिडर कर लेते हैं। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्स पी, मान लेता हूं मैं पी जिसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए एक्स और 0, क्योंकि वाई की वैल्यू 0 होगी, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, एक पॉइंट का नाम मैं ए ले लेता हूं और दूसरे पॉइंट का नाम मैं बी ले लेता हूँ। अब मैं कुछ इस तरह से समझ सकता हूँ, ये मेरे पॉइंट पॉइंट पी है जिसकी यहाँ ए से और यहाँ बी से इक्वल डिस्टेंस है। अब पी से ए की डिस्टेंस, इट मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये हमें दे रखा है। नाउ पी ए अगर पी बी के बराबर है तो हम पी से ए की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, पी से ए की डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स, अब ए के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान रखे हैं 2 और -5, तो एक्स -2 का होल स्क्वायर + 0 -5 का होल स्क्वायर। और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कर लीजिए, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab, 0 + 5 5 का होल स्क्वायर 25, दैट्स कम्स आउट टू बी x² - 4x + 29 अंडर द रूट। फिर pb डिस्टेंस निकाल लेते हैं, अब pb के लिए b कोऑर्डिनेट -2 और 9 है तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, -2 का होल स्क्वायर 0 - 9 का होल स्क्वायर, दैट्स इसको सोल्व करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 0 - 9 9 - 9 का स्क्वायर 81। अब देखिए हमें ये दे रखा है पी ए और पी बी दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो दोनों की लेंथ सेम होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² - 4x + 29 अंडर द रूट इज इक्वल टू x² + 4x + 85 अंडर द रूट, क्योंकि पी ए और पी बी दोनों इक्वल दे रखे थे।
अब दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 85, एक्स स्क्वेयर टू एक्स स्क्वेयर क्या हो गया कैंसिल, प्लस का 4x इधर आएगा माइनस 8x हो जाएगा, प्लस 29 उधर जाएगा माइनस 29 हो जाएगा, माइनस 8x, 85 माइनस 29 दैट्स 56, x इज इक्वल टू माइनस 7 आ गया। अब x की वैल्यू माइनस 7 आ गई तो हमें x क्या मान रखा था, p का कोऑर्डिनेट पॉइंट। अब x की जगह हम अगर ये वैल्यू रखते हैं तो मुझे निकालना ये p ही था क्योंकि मैंने x एक्सिस पे उस पॉइंट का नाम p लिया था, तो p कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा माइनस 7 और 0, माइनस 7 और 0 और ये हमारा आंसर है। तो P जो है माइनस 7 और 0 होगा जो इस A से और इस B से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें Y की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए P और Q के बीच की डिस्टेंस है 10 यूनिट्स दे रखी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आपको P और Q के बीच डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और उसको किसके इक्वल रख देना है, 10 के इक्वल निकालना रख देना है। सो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू 10 यूनिट, ये आपको दे रखा है। तो पी क्यू निकाल लेंगे हम, क्यू माइनस क्यू के कोऑर्डिनेट में से पी के कोऑर्डिनेट माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर अंडर द रूट, 10 माइनस 2 8 स्क्वायर 64, y प्लस 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अंडर द रूट। ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास किसकी, P और Q की, और वो डिस्टेंस किसके इक्वल दे रखी है 10 यूनिट्स के, तो हम इसको 10 के इक्वल रख देंगे। अब हमें दोनों साइड क्या करना होगा, स्क्वेयर करना होगा, स्क्वेयर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 64 प्लस 9 73, इधर 10 का स्क्वेयर करेंगे 100 आ जाएगा, प्लस का 100 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 27, दैट्स इज इक्वल टू 0। अब हम y सोल्व कर लेंगे, इसको फैक्टराइज करें, मल्टीप्लाई 27 हो और उन दोनों जीरोस का जोड़ 6 हो, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लेंगे y प्लस 9, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा माइनस का 3, दैट्स y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो फैक्टर बन जाएंगे y माइनस 3 y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, या तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा या y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा, तो y की वैल्यू यहां से या तो 3 आएगी या माइनस का 9 आएगी और ये आपके पास इसका आंसर होगा। हमें सिर्फ y की ही वैल्यू निकालनी थी जिसके लिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट हो। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, 10 के इक्वल रखिए, दोनों साइड स्क्वेयर कीजिए, फैक्टर बनाइए और क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। आई होप कि क्वेश्चन आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन में हमें क्यू पॉइंट दे रखा है 01 जो पी और आर से इक्वी डिस्टेंस पे है, हमें एक्स फाइंड आउट करना है और क्यू आर और पी आर की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है। अब देखिए क्यू इक्वी डिस्टेंस है पी और आर से, इट मीन्स क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये डिस्टेंस आपकी सेम होंगी, क्यू से पी की डिस्टेंस और क्यू से आर की डिस्टेंस सेम होगी। तो सबसे पहले हम क्यू पी निकाल लेते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला, 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट, 5 माइनस 0 5 25, 3 माइनस माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 स्क्वायर 16, दैट्स इज इक्वल टू रूट 41। फिर हम क्यू आर की डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 x स्क्वायर, 6 माइनस 1 5 स्क्वायर 25 अंडर द रूट। अब हमें पी क्यू और क्यू आर की डिस्टेंस सेम दे रखी है तो ये दोनों डिस्टेंस सेम हो जाएंगी, इन दोनों को सेम रख दीजिए, एक्स स्क्वायर रूट 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 अंडर द रूट।
दोनों साइड अगर हम स्क्वेयर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 25 इज इक्वल टू 41। 25 को साइड लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 16। एक्स को सोल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब x की वैल्यू या तो प्लस का 4 है या माइनस का 4 है। अब x प्लस 4 या माइनस 4 होने का मतलब ये है कि जो r है वो प्लस माइनस 4 और 6 है। तो हम क्यू r निकालेंगे, मींस क्यू और r के ऊपर एक डिस्टेंस फार्मूला। क्यू हमारे पास क्या है, 0 और 1, इन दोनों के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाने से हमें क्या बनेगा, क्यू आर इज इक्वल टू 0 माइनस 4, अगर मैं प्लस का 4 कंसीडर कर रहा हूं, होल स्क्वायर, 1 माइनस 6 होल स्क्वायर अंडर द रूट, 0 माइनस 4 4 16, 1 माइनस 6 5, माइनस 5 होल स्क्वायर 25 अंडर द रूट, दैट्स रूट 41। और अगर मुझे पी आर निकालना है तो मैं पी और आर के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगा। पी के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, 5 और माइनस 3, और इसको मैं प्लस 4 और 6 ले रहा हूँ, तो 5 माइनस पी आर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 6, माइनस 3 माइनस 6 होल स्क्वायर अंडर द रूट, 5 माइनस 4 1 स्क्वायर, माइनस 3 माइनस 6 9 स्क्वायर 81, दैट्स इज इक्वल टू रूट 82। ये मैंने r की जगह प्लस 4 लिया है, माइनस 4 लेकर आप सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी बताएंगे कि क्या आया। तो भी थोड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि क्यू पी और क्यू आर के ऊपर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, उसको 10 यूनिट्स के इक्वल रखिए और क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 10th क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है एक्स और वाई के बीच में वो रिलेशन फाइंड आउट करिए जहां से एक्स वाई 3 6 और माइनस 3 4 से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अब हमें क्या मान लेते हैं कि जो एक्स वाई है इस कोऑर्डिनेट को मैं पी नाम दे देता हूँ, 3 6 को मैं ए नाम दे देता हूँ और माइनस 3 4 को मैं बी नाम दे देता हूँ। तो क्योंकि पी पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, इट मीन्स पी ए किसके इक्वल होगा, पी बी के। तो पी से ए के ऊपर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो पी ए मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले से x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अंडर द रूट। इसको लिखेंगे तो हमारे पास बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y 36 प्लस 9 45। पी बी निकाल लेता हूं मैं बाय डिस्टेंस फार्मूला, एक्स माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर वाई माइनस 4 होल स्क्वायर, इसके और इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अंडर द रूट, दैट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 अंडर द रूट। क्योंकि पी और पी बी दोनों सेम दे रखे हैं तो ये डिस्टेंस दोनों की इक्वल हो जाएगी, मैं इन दोनों को यहाँ इक्वल रख देता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब स्क्वेयर से स्क्वेयर दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस का 6x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो कितने हो जाएंगे, माइनस 12x, माइनस का 8y इधर आएगा किसका होगा, प्लस का, तो कितने बचेंगे, माइनस के 4y, प्लस 45 उधर जाएगा माइनस का, डैश 25 माइनस 45, ये मेरे पास बच गया माइनस 12x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 20। दोनों साइड से माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, और ये आपका आंसर, ये रिलेशन आ गई x और y के बीच में। आप इसको फर्दर सोल्व करें तो 3x प्लस y
माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ये आंसर आपके बुक में दे रखा होगा। आई होप कि यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहाँ हमारे पास डिस्टेंस फार्मूले से रिगार्डिंग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट पोर्शन हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हिंदी में सेक्शन फॉर्मूला को हम विभाजन सूत्र बोलते हैं। विभाजन सूत्र क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन एंड बी कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू इंटरनली इन रेशो m रेशो n इज गिवन बाय एक पॉइंट p जिसके कोऑर्डिनेट x y हैं, जो किसी लाइन सेगमेंट a जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और b x2 y2 को इंटरनली m रेशो n में डिवाइड करते हैं, तो इस x y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो इसको कैसे निकाला जाएगा? देखिए, हमारे पास ये एक पॉइंट लाइन सेगमेंट a कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1 और b x2 y2, और अगर मान लो किसी p पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x y हैं, इसके द्वारा इसको m रेशो n में अगर डिवाइड किया जाए तो ये x कैसे निकलेगा? x निकालने के देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ m x2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ n x1 और अपॉन में इन दोनों का जोड़। फिर y निकालने के लिए आप क्या करें? m की मल्टीप्लाई इसके साथ y2 के साथ, n की मल्टीप्लाई y1 के साथ अपॉन में इन दोनों का जोड़। तो ये हम x और y कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है? m की x के साथ, फिर n की x1 के साथ, फिर m की y2 के साथ, फिर n की y1 के साथ। इस तरह से x और y कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। इस फार्मूले से हम इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। इससे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट क्या है? अगर मान लो मेरे पास कोई लाइन सेगमेंट x ab है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और कोई पॉइंट m इसको मिड में डिवाइड करता है, तो इस मिड पॉइंट m के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे? x1 plus x2 डिवाइड बाय 2, y1 plus y2 डिवाइड बाय 2। x में x कोऑर्डिनेट जोड़ दीजिए 2 से डिवाइड, y में y का कोऑर्डिनेट जोड़ दीजिए 2 से डिवाइड, वो आ जाएगा मिड पॉइंट। इसको मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला याद रखिएगा। इन लगभग इस एक्सरसाइज में हम ज्यादातर इन दो ही फार्मूलाज का यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विद ज्वाइनिंग द पॉइंट ए माइनस वन सेवन बी माइनस फोर माइनस थ्री इन टू रेशो सी। हम मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम हम क्या ले लेते हैं? लेट से पी, लेट पी, और पी के कोऑर्डिनेट पॉइंट हम मान लेते हैं एक्स वाई। लेट पी एक्स वाई डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन टू रेशो थ्री। अब पी के पॉइंट निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? बाई सेक्शन फॉर्मूला।
एक्सएन फॉर्मूला मैंने अभी बताया, एक्स निकालने के लिए टू की मल्टीप्लाई किसके साथ, फोर के साथ, थ्री की मल्टीप्लाई किसके साथ, माइनस वन के साथ, और अपॉन में दोनों रेशो का जोड़। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए टू की मल्टीप्लाई माइनस थ्री के साथ, थ्री की मल्टीप्लाई सेवन के साथ, अपॉन में दोनों का जोड़। ये बन गया हमारे पास 8 माइनस 3 अपॉन 5, ये बन गया माइनस 6 प्लस 21 अपॉन 5, ये बन गया 8 माइनस 3 5 अपॉन 5 1 है, और ये बन गया 21 माइनस 16 15 बाय 5 3। और हमने जो P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x और y माने थे वो कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए, 1 और 3, और ये हमारा आंसर। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं कि P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x y है, वो इसको 2:3 में डिवाइड करता है बाय सेक्शन फार्मूला, 2 की 4 के साथ, 3 की 1 माइनस 1 के साथ, फिर 2 की माइनस 3 के साथ, 3 की 7 के साथ। क्वेश्चन है सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच ट्रायसेक्शन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 माइनस 1 एंड माइनस 2 माइनस 3। आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इसको तीन सेक्शन में डिवाइड करता है। मान लो हमारे पास एक पॉइंट ए 4 माइनस 1, दूसरी पॉइंट बी माइनस 2 माइनस 3। इस लाइन को तीन पॉइंट हैं सॉरी थ्री सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। एक सेक्शन के लिए मैंने P मान लिया, यहाँ दूसरा मैंने Q मान लिया। अब देखिए क्या दे रखा है, A से P, P से Q, Q से B, ये इस सेक्शन लाइन के तीन सेक्शन हो गए, लाइन सेगमेंट के तीन सेक्शन हो गए। इसको इस पॉइंट्स को इन सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। तो इस P और Q का आंसर हमें निकालना है कि P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब मान लो मैं ये मान लेता हूँ कि ये इक्वली रेशो में डिवाइड किया गया है क्योंकि तीन सेक्शन बांटे गए हैं, तीनों बराबर होंगे। अब यहाँ से यहाँ तक वन यूनिट डिस्टेंस, ये वन है और ये भी वन है। अब देखिए ये जो रेशो हुआ ए से पी का, ये वन हुआ, और पी से बी का जो रेशो है वो टू हुआ। ये टू लेंथ यूनिट लेंथ होगी, ये वन यूनिट लेंथ होगी। तो मैं अगर पी का कोऑर्डिनेट निकालता हूँ तो P कोऑर्डिनेट इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा, यहां से 1 और यहां से 2। तो लिखेंगे लेट P डिवाइड इन अ 1 रेशो 2। अब यहां P कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेंगे, एक्स वाई। तो बाई सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फॉर्मूले से अगर मैं x निकालूंगा तो 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ, माइनस 2 के साथ, और 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 4 के साथ, अपॉन में 1 प्लस 2। उसके बाद y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 1 की मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ, प्लस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ, अपॉन में 1 प्लस 2। वन माइनस टू वन मल्टीप्लाई माइनस टू माइनस टू प्लस 8 अपॉन में 3, माइनस 3 माइनस 2 अपॉन में 3। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 6/3, 6/3 क्या होता है 2, और माइनस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 5/3। तो ये मेरे पास P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 और माइनस 5/3। अब हम सेकंड कोऑर्डिनेट क्यू के लिए निकालते हैं। अब क्यों कोऑर्डिनेट के लिए ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास वापिस ए 4 और माइनस 1, ये मेरे पास बी माइनस 2 माइनस 3, यहां मैंने क्यों मान लिया। अब ए से क्यों की जो लेंथ है वो कितना रेशो बनाएगी, 2, ये 2 यूनिट पे हो गया। क्यों से बी जो है वो 1 यूनिट पे हो गया, तो ये 2 रेशो 1 में डिवाइड करेगा। अब फिर से मैं क्यों के पॉइंट एक्स वाई कोऑर्डिनेट मान लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ अलग मान सकते हैं। तो अब Q कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, एक्स वाई निकालने के लिए बाई सेक्शन फार्मूला, दोबारा से आप सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ, और प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, अपॉन में 2 प्लस 1। और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2 की मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ, और 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ,
अब फोन में 2 + 1, 2 - 2 कितना हो गया -4, और 4 बन जा 4/3, तो ये तो 0 ही आ गया। इसको सोल्व करो, 2 - 3 - 6 - 1/3, ये -7/3 आ गया, तो क्योंकि पॉइंट आ गए 0 और -7/3। ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि ट्राइसेक्शन में लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ट्राइसेक्शन में जो लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड होता है, तो हमें वो कोऑर्डिनेट निकालने थे। अब हमने क्या किया, एक लाइन ले ली, उसके 3 पार्ट्स बना दिए, एक पॉइंट को पी नाम दे दिया, दूसरे को क्यू नाम दे दिया। अब पी एक रेसो, तो ए से पी, जब आप पी कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ए से पी 1 हुआ और पी से बी 2 हो गया, क्यू जब निकालेंगे ए से क्यू 2 हो गया और क्यों से भी 1 हो गया। तो आप एक बार 1:2 और एक बार 2:1 पे सेक्शन फार्मूला लगा दीजिएगा, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां तक क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करने हैं, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। आई होप यहां तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट।